हम यार स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 7.3। हमें इसके लिए थोड़ी सी पहले ही प्लानिंग बनानी होगी। देखिए ये क्या लिखा है, कॉस और ये भी कॉस है। अगर मान लीजिए किसी तरह से ऊपर साइन आ जाए और वो जब साइन ऊपर आएगा तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, टेन। और टेन को इंटीग्रेट करना काफी आसान होता है, यानी कि मुझे मेरा टारगेट, मेरी प्लानिंग ये है कि मैंने किसी तरह से इसको टेन में कन्वर्ट करना ही है। तो मैं इसको किस तरह से कन्वर्ट करूंगा, देखिए मैंने वन को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर साइन ए माइनस बी से मैंने लगा लिया। अब जब मैंने यहाँ साइन ए माइनस बी रखा तो मुझे बाहर भी ये रखना पड़ेगा ताकि कोई फर्क ना पड़े। तो मेरे पास ऑप्शन है कोस एक्स माइनस ए एंड कोस एक्स माइनस बी डीएक्स, ये ऑप्शन मेरे पास होगी। ओके, अब आप देखिए जरा समझिए, यहां पर थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, हल्का सा लॉजिक है, बहुत हल्का। क्या लॉजिक है भाई, यहां पे लिखा है एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए, इसमें एक्स की कमी पड़ रही है ना, तो कमी पड़ रही है तो आप ले आइए ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स, हो गई ना कमी पूरी। तो ये हो गया है कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए जरा इनको लंबर से थोड़ा ठीक ठाक खड़ा कर लीजिए, किस तरह से, ये एक्स वाले भैया को तो आप इधर ले आइए, ये वाला जो एक्स है इसको यहां रख लीजिए, यहां रख लिया, और वो जो ए था उसको मैंने यहां रखा हुआ है, यहां रख लीजिए। अब इसमें से आप माइनस को बाहर ले लीजिए, लीजिए मैंने माइनस बाहर ले लिया तो एक्स तो आपका प्लस का हो जाएगा और ए आपका माइनस का हो जाएगा, ये लीजिए। इस तरह से हमने थोड़ा सा इसको अरेंज कर लिया, और अरेंज किस टेक्निक से करा है, जैसा नीचे दिख रहा है उसी तरीके से अरेंज करा है। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी, जरा याद कीजिए क्या होता है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू हमारे पास होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला रहता है ना हमारे पास। हम इसको एप्लीकेबल करेंगे कहां पर, अपने सम में जो ऊपर है, ठीक है, बात समझ रहे, चलिए एप्लीकेबल करते, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा इस साइड आ जाइए, पहले तो हमारे पास ऑप्शन है वन अपॉन साइन ए माइनस बी और यहां पर आपके पास इंटीग्रेट, और अब आपके पास है साइन एक्स माइनस बी, इसको ओपन करिए, आपने फॉर्मूले से ओपन करा तो साइन ए कोस बी, साइन ए आपके पास क्या है एक्स माइनस बी, कोस बी कोस बी क्या आपके पास एक्स माइनस ए अपॉन में, और मैं अलग अलग भी लिख ले रहा हूं, कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी, ठीक है। अच्छा माइनस, फिर उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है ये वाला कोस ए साइन बी, तो कोस ए क्या है एक्स माइनस बी, और साइन बी क्या है आपके पास एक्स माइनस ए, और अपॉन में ये दोनों के अपॉन ले लिया मैंने, कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, ये पूरा यहां से यहां तक आप ऐसे मान, ये बात समझ में आई। अच्छा अब समझो जरा, वन अपॉन साइन और ए माइनस बी, और यहां पर समझना इसमें से आप क्या कैंसिल कर सकते हो, आपने कोस एक्स माइनस ए कौन कैंसिल कर लिया, तो कोस एक्स माइनस ए यहां से चले गया, चले गया, तो आपके पास क्या बचा है साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला हो गया आपके पास, टेन एक्स माइनस बी बन गया ना, टेन टेन एक्स माइनस बी, ये वाला ऑप्शन आ गया। अब जरा इसको देख लीजिए, तो आपके पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है, कोस एक्स माइनस बी, कोस एक्स माइनस बी ये चले गया, ये कोस एक्स माइनस बी आपके पास चले गया, यहां से साइन एक्स माइनस ए अपॉन में कोस एक्स माइनस ए आपके पास क्या बन गया, टेन एक्स माइनस ए ये ऑप्शन आ चुका है, और प्लस और सॉरी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है टेन एक्स माइनस बी आप किस तरह से निकालेंगे, माइनस लॉग कोस एक्स, और कोस एक्स क्या है एक्स माइनस बी है, समझे। अच्छा टेन एक्स इसको बोलिए, तो इसको कैसे आप लिखेंगे, माइनस लॉग, और फिर इसके बाद ऑप्शन क्या आएगा आपके पास, आपके पास ऑप्शन यहां पे माइनस था ना, इसके लिए यहां माइनस है तो ये क्या होगा प्लस में, और लॉग कोस एक्स माइनस ए ये ऑप्शन आ गया प्लस सी, बात समझे। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हैं ना, ये वाला ऊपर आ जाएगा ये इसके नीचे आएगा, तो वन अपॉन साइन ए माइनस बी और यहां पर लॉग आपके पास हो गया कोस एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस बी प्लस सी,
That's the required answer. I hope you enjoyed this video. If you like my video, like teaching style, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.